हे गाइस, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पे आपके लिए मैंने वीडियो बनाया। और कैसे आप मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हो उसके ऊपर बताया। सबसे पहली चीज जो है ग्लोबल सेंटिमेंट्स है, दूसरी चीज डॉलर इंडेक्स, और तीसरी चीज इंडिया विक्स है। मुझे तो इंडिया विक्स बहुत पसंद है, ठीक है, वो खाने वाला विक्स नहीं, इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स से आपको क्या पता चलता है? इंडिया विक्स से आपको मार्केट का डायरेक्शन और सेंटिमेंट पता चलता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, जब भी इंडिया विक्स 25 या 22, 22 पकड़ लो, 22 से अगर 15 के बीच में हो तो आपको एक बुलिश सेंटिमेंट दिखता है, तो बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली करना चाहिए। पर्टिकुलर स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के हैं और बैंक निफ्टी के, क्योंकि मार्केट को डिराइव कौन करता है? ये दोनों ही डिराइव करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा न्यूज है आप लोगों के लिए, इंडिया वीक्स 15.80 आ गया है और इसका 52 वीक लो जो है वो 12.80 है। मैं दुआ करूंगा कि यहाँ भी आ जाए तो आपको एक नई तेजी देखने को मिलेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंडिया विक्स अगर आपको देखना है तो आप गूगल में लिखो इंडिया विक्स, आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा पॉज लेता है तो आपको ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना है, और अगर बाय ऑन डिप्स करना है अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, पर सेलिंग फिलहाल के लिए मत करो। सेलिंग मतलब मार्केट में इंडेक्स की सेलिंग मत करो, मैं इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग करना है आपको तो आप कर सकते हो आउट ऑफ द मनी कॉल्स, अगर फॉर डीप आउट ऑफ द मनी कॉल्स करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कि इंडिया विक्स इज नियर 15.80 और 52 वीक लो जो है उसका 12.08 है। ठीक है, सो आप बिंदास तेजी कर सकते हो मंथली कॉल्स को लेके। ठीक है, मंथली कॉल्स बाई करने हैं और वीकली कॉल्स सेल करने हैं, इज दैट फाइन? आउट ऑफ द मनी के मैं पुट्स की बात कर रहा हूँ, कॉल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप कॉल मत सेल कर देना, कॉल सेल करना है तो ओटीएम की कॉल सेल करो, वीकली मंथली नहीं। ठीक है, दूसरी चीज अभी आपको मैं कुछ स्टॉक बता रहा हूँ और रीजन से बता रहा हूँ, जो जो मैंने कहा था सेम वैसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञानी ज्ञानी बन गया हूँ, बट जो पिछले जो आ रहे एक्सपीरियंस है वो कैरी ऑन करने के बाद ये सारा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूँ आपको थोड़ा पता चलेगा। जो जो मैंने कहा था कि आरबीएल बैंक अप टू द पॉइंट, ठीक है, मैं दे वो ही देख रहा था। अभी मैंने जो कहा था आपको निफ्टी के बारे में, ठीक है, तो मैं ये निफ्टी 50 का चार्ट निकालता हूँ। क्यों चार्ट्स इंपॉर्टेंट है? हमको क्या है, ये प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से आगे का मोमेंटम बताते हैं। इट इज नॉट 100% श्योर बट इट गिव्स यू सम इंट्यूशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो मैं आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन पे कुछ बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीन पे अभी कुछ ऐसा मोमेंट दिख रहा है। अभी का क्या प्रिडिक्शन है मुझे, एक हायर साइड पे जो मुझे एक मोमेंटम अभी भी दिख रहा है वो 18,150 दिख रहा है। तो आप 18,150 आए तो आप बिंदास बेच सकते हो, कोई इशू नहीं है शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब वहां से आपको 18,000 ही दिखेगा, कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा, और ज्यादा से ज्यादा 17,900, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय एंड डिप्स करो कुछ, ये डबल बॉटम के बाद ऐसा पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में दिखा था। ठीक है, तो अभी आप आरएसआई भी देख लेते हैं, वर्ल्ड फेवरेट आरएसआई। ठीक है, तो आरएसआई भी इंटैक्ट है, देखो अभी ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में, डेली टाइम फ्रेम में तो गया ही नहीं है, तो मतलब अभी भी बाय एंड डिप्स है। एमएसडी इज पॉजिटिव, आरएसआई इज पॉजिटिव, कैंडल्स आर पॉजिटिव, चार्ट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, सो अगर लंबा टाइम फ्रेम लेते हैं तो क्या, ठीक है, यहाँ पे अगर लंबा टाइम फ्रेम लेते हैं तो हमें एक चीज क्लियरली पता चलती है, जस्ट हमें कि क्या होगा। हमको जो हायर साइड से बॉक्स बनाना है वो एक ये वाला, ठीक है, सो 18,150 या 18,130, मतलब यहाँ से 100-150 पॉइंट, 100 पॉइंट और, ठीक है, आपको एक ये जोन मिल सकता है फिलहाल के लिए। और अगर और बड़ा जोन पकड़ना है जस्ट तो अगर हम इसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखे तो क्या सिनेरियो है? वेरी गुड, कि वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक जोन हमें जो मिल सकता है वो 18,377 का मिल सकता है। सो इट इज वेरी क्लियर ट्रेंड, कोई भी डीप आता है आप इसे बाय करो। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का, अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, और इसको अवॉइड मत करना मैं जो बोल रहा हूँ, इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
देखो, अरे बैंक निफ्टी लिखा है भाई, एक मिनट। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट है। वेरी गुड, बैंक निफ्टी के चार्ट देखो, बहुत ही क्लियर 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 ब्रेकआउट जोन में है वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये ज्यादा जोर से फटेंगे। तो हम इसको आज के दिन शायद थोड़ा सेंटिमेंट पॉइज रह सकता है, बट ओवरऑल मोमेंटम इज इन पॉजिटिव ट्रेंड। ठीक है, अगर खाली चार्ट देखे तो वाओ, ठीक है, कितना क्लियर दिख रहा है आपको। तो अभी यहाँ से एक जो सेंटिमेंट आपको दिख सकता है वो डॉट टू डॉट है, 41,843। ठीक है, तो आपको यहाँ से मोमेंटम कैसा दिखेगा, जस्ट अ मिनट, आपको बॉक्स बनाऊंगा तो ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, हम यहाँ से एक बॉक्स बना देते हैं इसका जो हाई टाइम फ्रेम था वहाँ। ठीक है, तो हाईर टाइम फ्रेम में आपको शायद अभी क्लियर दिख गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इसका हायर साइड था, ये रहा तो हाइयर पॉइंट हमने जो पकड़ा है, 41,913 से नीचे का जोन पकड़ा है 37,600। तो टाइम फ्रेम जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें डेविएशन मैंने निकाला, उस हिसाब से आपको 41,900 तक का एक जोन दिख रहा है। फाइन, सो अभी के लिए ये मोमेंटम है, ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का बता दिया। बाय ऑन डिप्स, निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स, और इंडिया वीक्स में तो बहुत ही अच्छी न्यूज थी, तो दैट इज कम्प्लीटली गुड, मुझे जो अच्छा लगा। ठीक है, अभी और एक चीज में चलते हैं, हम स्टॉक देख लेते हैं, जो मुझे स्टॉक आपको बताने हैं बहुत ही खास है। ठीक है, मेरे को एक यूपीएल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, यूपीएल देखो, मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो यूपीएल बाय एंड डिप्स करना है आपको। यहाँ से एक जोन जो दिखेगा, पहला पहला जोन जो दिखेगा वो मुझे लग रहा है 771 या 739, तो वैसे भी आ ही गया है, 734 है, तो वो तो दैट इज फाइन। 768, 770 आपको दिख सकता है बार टिप्स। ठीक है, मैंने यूपीएल का एक कप बना के रखा हुआ है, और ये सबसे फेवरेट पैटर्न है मेरा, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न निकलता है। ठीक है, अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्वायर बॉक्स बना के देख लो कि अगर बॉक्स के बाहर निकलता है, इट इज कॉल्ड डारवास बॉक्स, उसके बाहर निकलता है तो आपको बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा। ठीक है, यूपीएल का अगर 5 दिन का चार्ट निकाले तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया उसने। मेरा बाइंग जो था वो 703 रुपये का था, उसके बाद वो 30 रुपये नीचे चला गया, बट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। मैं इसे 800, 815 या 825 के आजू बाजू निकालूंगा। मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ तो मुझे 50 रुपये नीचे की भी प्रोबेबिलिटी थी, 50 रुपये ऊपर की भी प्रोबेबिलिटी थी, बट आप लोग आपका स्टॉप लॉस फिक्स करके ट्रेड किया करो। ठीक है, सो अगर ये 800 जाएगा तो 815 तो मैं एक बार उसमें से एग्जिट होऊंगा, बट अभी मैं होल्ड हूँ, मैं थोड़े बड़े स्विंग के लिए प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, सो यूपीएल में अभी भी बाइंग इंटैक्ट है, और मैंने दूसरा जो आपको दिया था टाटा मोटर्स, ठीक है, कुछ टाइम पहले लोग थोड़ा भी 1-2 रुपये नीचे जाता है तो निकल जाऊं, ये करूं वो करूं, बट ऐसा नहीं होता है। देखो, वेरी गुड, इट इज गिविंग गुड स्विंग। ठीक है, हम 406 पे एंटर हुए थे, 414 पे आया है अभी, धीरे धीरे ये ऊपर आएगा, बट सडनली घोड़ा गाड़ी लेके मत चला करो कि लिया है तो भाई चलना ही चाहिए, चलेगा बट थोड़ा पॉज लेगा, उसके बाद चलेगा। देखो, मार्केट में ऐसे ऐसे मोमेंट होती है, ऐसे रॉकेट जैसी मोमेंट नहीं होती है, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको अभी एक प्रोबेबल स्विंग, चलो 418-19 तक तो है, दूसरा अगर हम पकड़े 461, इमीडिएट इमीडिएट मेरे को लग रहा है ये 429-30 तक आ सकता है। ठीक है, अगर अगर हम इसका आरएसआई देखें तो क्या बोल रहा है इसका, वेरी गुड, अभी इसने बुलिश ट्रेंड दिखाना चालू किया है डेली टाइम फ्रेम पे, तो बिंदास बाई करना, बिना डरे बाई करना, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है आपको 50 का, मतलब 405, 400 का स्टॉप लॉस रख दो। मेरे ख्याल से वो स्टॉप लॉस तो आया ही नहीं था, तो आपको मोमेंटम छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। तो टाटा मोटर्स बाई करना है, यूपीएल बाई करना है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अगर एक जोन क्रॉस करेगा तो वहां से बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा। वेरी गुड, देखो मैंने कहा था 1460 अगर ब्रेक कर देगा तो वो इजीली 1500 रुपये, 1480 आ जाएगा, और इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, और अभी भी आरएसआई बहुत ही सुपर बुलिश ट्रेंड में है, मतलब मेरा जो ये लक्ष्मण रेखा का थियरी है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे है, तो ये भी बुलिश है, मार्केट भी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है। ठीक है, सो यूपीएल, एचडीएफसी बैंक,
फिर मैंने आपको क्या बताया, यूपीएल, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स बताया, एचडीएफसी बैंक बताया, अभी इन्फोसिस का क्या करें, इनकी जो मैंने आपको बताया था जस्ट अ मिनट। वाह देखो, इन्फोसिस में भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, अभी भी 5 रुपये नीचे है मेरा टारगेट से, बट दैट इज फाइन, आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, 5 रुपये का बड़ा डील नहीं है, अभी 50 रुपये चला है तो 5 रुपये के लिए तो क्या ही होगा, ठीक है। सो अभी क्या जोन आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हो, बस जो आना था 51 तो मिनिमम आएगा, उसके बाद का स्विंग हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं, बट इंफोसिस में भी बायोन डिप्स है। अभी इसके अलावा मैंने आपको बोला था एच सी एल टेक, ठीक है, जस्ट क्या मोह माया है, ठीक है। तो फाइन, हमको क्या देखना है यहाँ पे, हमको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो इंफोसिस भी बायोन डिप्स है, और सब ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स बायोन डिप्स है जो भी मैंने आपको बताया है, फाइन। सो इसके अलावा आपको क्या देखना है, मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का देखना था, एच सी एल टेक में भी बुलिश ही है मोमेंटम, सो सारे स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए, अभी आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे को खास आपको इंडिया विक्स का न्यूज बताना था तो मैंने बता दिया, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप शेयरिंग योर थॉट्स एज वेल, और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है यार, चलता रहता है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।